अनुजी अब एडिबल ऑयल पैक में क्या लग रहा है आपको, जिस हिसाब से इंडोनेशिया की तरफ से खाद्य पाम तेल को लेकर फैसले आ रहे हैं और भारत में ऑयल सीड की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने की बात कही जा रही है, तो इसका असर खाद्य तेलों के बाजार पर कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव? देखिए खाद्य तेलों की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने नरमी का ही रुख देखा है। अगर हम पूरे वैश्विक बाजार की बात करें तो वहाँ पर हमने भावों में गिरावट ही आते हुए देखी है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल सभी खाद्य तेलों में एक नरमी का रुख रहेगा। भारत के अंदर जो अवेलेबिलिटी वो भी अच्छी खासी है और इस बार देखें तो पैदावार भी अच्छी हुई थी, तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल खाद्य तेलों में एक नरमी का रुख ही देखने को मिल सकता है और भाव नीचे की तरफ ही आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है।